हेलो फ्रेंड्स, आज जो है मैं बनाऊंगी मोमोज। मोमोज मेरी बच्ची को बहुत पसंद है, तो उम्मीद करती हूँ सारे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। यहाँ पर मैंने मैदा ली है 1 कप। साथ ही में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार, और इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच ऑयल, और सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे। और मैदे को गूंदने के लिए हमें कैसा मैदा होना चाहिए ये देखिए हाथ में बन रहा है, ऐसा मैदा हम मोमन डालने के बाद होना चाहिए। तो ये तैयार है, इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम गूंदेंगे। पानी जो है हमें ठंडा नहीं, हमने यहाँ पे गुनगुना पानी यूज़ किया है। तो बस हाथों को थोड़ा सा चिकना करेंगे क्योंकि मैदा चिपक रहा है। तो बस यहाँ पर हमने हाथ को चिकना किया और मैदे को मसल के चिकना कर लेंगे। ये मैदा तैयार हो गया है गूंद के। पर हमने ली है बंद गोभी, इसको हमने अच्छे से पानी में धोकर ले लिया, और इसको हम निचोड़ देंगे, इसका सारा पानी ख़त्म कर लेंगे। इस तरह से बंद गोभी को ले लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे प्याज, जो बारीक कटी हुई प्याज है, और साथ में डालेंगे हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च ली है, और डालेंगे गाजर, 1 ही मैंने गाजर की ली। गाजर भी हमने कद्दूकस करके ले ली है, तो यहाँ पर भी हमने मिक्स किया। और अब हमने डाल दिया इसमें पत्ता गोभी, और साथ में डाल दी काली मिर्च कुटी हुई, और डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी कलरफुल स्टफिंग बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पर अब डालेंगे धनिया, जो हमने बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है, इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। फिर ये देखिए बहुत ही सुंदर कलरफुल हमारी स्टफिंग बनके तैयार हुई है, और इसको हम बिल्कुल भी तलेंगे नहीं। तो अब हम सबसे आखिर में डालेंगे चिली फ्लेक्स और हर्ब्स, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मोमोज के अंदर। मिक्स किया और बस ये स्टफिंग हमारी बनके तैयार है। तो ये आधा आटा भी जो है हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको लोइयां बना लेंगे। तो हाथों को चिकना करेंगे और इसकी लोइयां, छोटी छोटी लोइयां इसकी बना के तैयार करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने है ना, अब तक जो है बिल्कुल भी स्टफिंग को मैंने कच्चा ही रखा है, और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। अब तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक अगर हम पहले डाल देते तो इसमें पानी छूट जाता, इसलिए अब मिक्स किया। और इसको अब हम इस स्टफिंग को रख देते हैं साइड से, और यहाँ पर हम लोई से एक लोई को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम इसको बहुत ही छोटा बेल के तैयार करेंगे, और ज़्यादा पतला नहीं बेलना हमें, थोड़ा सा हल्का सा मोटा रखना है। तो हमारी ये पूड़ी तैयार हो रही है। इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को इस तरह से बेल के तैयार कर लेंगे, और बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं रखना, और बहुत ज़्यादा प्रेशर से भी नहीं बेलना है, बहुत ही आसानी से। अब बस हमने इसको अपने हाथ पे लिया, अंगूठा और उंगलियों के बीच में थोड़ा सा होल कर लिया है, और बस ये स्टफिंग इसमें हम भर देंगे। बहुत ही आसान तरीका, एक हल्की सी प्लेट इधर डाल दी ऐसी, और एक हल्की सी प्लेट इधर डाल देंगे बस, और एक इधर अंगूठे के पास डाल देंगे, और एक यहाँ पर बीच में। अब क्या करना है, अंगूठे और उंगलियों को जो हमें ऐसे देखिए, इसको यूं पकड़ा और यूं हटा लिया, और ऐसे करके ऐसे बंद कर दिया। बस ये हो गया, सील हो गया हमारा मोमोज। इसी तरह से हम सारे मोमोज बना के तैयार करेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से, आप देख रहे हो ना कितना सुंदर है। मोमोज बनाना बहुत ही आसान है, और इसको हम घर पर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मोमोज बना के तैयार कर लिए हैं, इसी तरह सारे हम बना के तैयार कर लेंगे। तो चलती हैं अब हम इनमें, इनको हमें क्या करना है, स्टीम करना है। तो स्टीम के लिए मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी रखा है, और गैस को मैंने फुल कर दिया है। यहाँ मैंने आटा छलने वाली छलनी ली है, इसको घी लगा दिया है अंदर, और इसको हम सेट कर देंगे भगोने के ऊपर, और उबाल आने तक। पानी में अच्छा उबाल आ गया है, तो ये पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें रख देंगे मोमोज जो हमने स्टफिंग भर के तैयार किए हैं। ये देखिए
यहाँ पर खास है कि आपको छलनी को चिकना करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस इसे हम कवर कर देते हैं, 5 मिनट बाद हम देखेंगे इन्हें चेक करके। तो 5 मिनट हो गई हैं, चेक कर लेते हैं, ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, ये देखिए, वाह। बस इनको निकाल के सर्व करें।